दिल्ली एनसीआर में दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण और यूपी और शहर गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर की गिनती में इस वक्त आ चुका है। और वहीं सात ऐसे शहर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की गिनती में रखा जा रहा है। गाजियाबाद के बाद इलाहाबाद दूसरा प्रदूषित शहर बन गया है। तो हमारे संवाददाता भावना अरोड़ा ने वहीं का जायजा लिया। प्रदूषण का स्तर बढ़ना, ये रोक न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि फरीदाबाद, गुड़गावा और गाजियाबाद में भी लगाई गई है, क्योंकि ये वही सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है जिन्होंने प्रदूषण के लेवल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, और ये पॉल्यूशन ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में अपना असर दिखा रहा है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ PM2.5 की, तो यहाँ पर सूचकांक लगभग 500 के पार पहुंच चुका है। वहीं PM10 का लेवल जो है 500 से 600 के बीच में नजर आ रहा है, यानी कि दिल्ली के लिए ये सूचकांक ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति कितने हद तक लोगों को जो है बीमार कर सकती है। शायद यही कारण है कि EPCA ने एक बड़ा फैसला लिया है, और इस फैसले में उन्होंने सभी इमारतों को बनाने के लिए फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, ताकि जो प्रदूषण है वो ना बढ़े, क्योंकि उड़ती धूल भी प्रदूषण को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका अदा करती है। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं भावना, R9 TV दिल्ली।